नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर। मैं आज बताने जा रहा हूं छत के ऊपर ईंट वाला टाइल मिट्टी के साथ और गारे के साथ किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों। और ये भी बात बताऊंगा दोस्तों कि एक सैकड़े में कितने टाइल लगते हैं दोस्तों, और बढ़िया से लहरिया टाइल किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों। तो वीडियो देखें और समझें दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, अच्छी तरह से दोस्तों मिट्टी बिछा के और टाइल लगा के ढलान बना लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आप चाहें तो फर्श के लिए कमरे में भी लगा सकते हैं दोस्तों, और छत के ऊपर भी लग सकता है दोस्तों, बेड़े में भी लग सकता है दोस्तों। तो इसका चाल किस प्रकार से लहरिया का बना जाता है, कई मिस्त्री होते हैं सीधे सीधे लगा देते हैं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों लहरिया किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम मिट्टी को अच्छी तरह बराबर कर लिए हैं दोस्तों। उसके बाद में ये मिट्टी का गारा है, गारा थोड़ा इस प्रकार से गीला होना चाहिए जो कांडी हमारा इसके ऊपर अच्छी तरह से घूम जाए इस प्रकार से दोस्तों। अच्छी तरह इस प्रकार से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक टाइल को इस प्रकार से ऐसे रखना है, ये जो हमारा टाइल का निशान लगा हुआ है इसमें मिला के, और दूसरा टाइल दोस्तों इस प्रकार से रखना है। और तीसरा ये इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों। तो ये अभी तीन का ही ठेहा बांध के दिखा रहे हैं दोस्तों, चाल बना के दिखा रहे हैं दोस्तों। वैसे चाहे तो आप चार का भी बना सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये वाला टाइल इस प्रकार से, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप दे दे कर रखना है दोस्तों। उसके बाद टाइल ये होगा जो इस प्रकार से, और ये टाइल होगा जो हमारा इस प्रकार से। आप चाहें तो कमरे में भी इस प्रकार से दोस्तों लगा सकते हैं। जैसे हमको कमरे के लिए फर्श करना होता है तो आप कमरे में भी इस प्रकार से दोस्तों लगा सकते हैं, और इसके ऊपर इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से गैप दे दे के और लगाते जाना है दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये जो हमारा गैप बच रहा है दोस्तों, इसमें बाद में हम टोटा डालेंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा लगा हुआ है, ये सूत में ही लगा हुआ है, इधर भी सूत बन गया तो ये बिल्कुल हमारा बराबर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों एक सैकड़े में दोस्तों 310 से 15 टाइल लगता है दोस्तों। इस हिसाब से आप अगर 1000 फुट एरिया है दोस्तों तो 310 या 15 के हिसाब से आप सैकड़े के हिसाब से हिसाब निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इस प्रकार से लगाते जाना है दोस्तों। चाहे दोस्तों जितनी लंबी हो, एक बार एक ही मिस्त्री को सीधा इस प्रकार से बांध लेना है। उसके बाद अगर चाहे तो आप अकेले भी लगा सकते हैं दोस्तों, और दो मिस्त्री भी लगा सकते हैं बैठ के। तो दोस्तों इस प्रकार से लगाते जाना है, देख सकते हैं हम लगा चुके हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से चाल लगाते जाना है दोस्तों। उसके बाद ये जो जितने हमारे गैप बचे हुए हैं, ये इसमें सारे में आधे दोस्तों, तो आधे किस प्रकार से भरना है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो गड्ढे थे इस प्रकार से, इसमें टोटे भर देना है। ये वाला जो चाल है हमारा, इसमें टोटे नहीं भरना है, इसमें जो हम इधर का चाल बनाएंगे
वो इसमें फंसाएंगे दोस्तों। तो इसमें किस प्रकार से दोस्तों चाल फंसाते हैं वो भी बताऊंगा दोस्तों मैं। इस प्रकार से टोटे काट काट के दोस्तों इस प्रकार से भर देना है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे इस प्रकार से चाल बन गया। और दूसरी बार ये किस तरह फंसा के और चाल बांधना है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये वाला जो होगा टोटा एक यहाँ पर फंसा देंगे ये वाला इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से ईंट रखेंगे एक इस प्रकार से। दूसरा ये जो हम दाढ़ा छोड़े हुए थे इसमें फंसा के इस प्रकार से रख देंगे दोस्तों इस प्रकार से। और तीसरा ईंट इस प्रकार से निकालेंगे इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों। और फिर ये वाला जो ईंट होगा यहाँ पे ये सूत में मिला के इस प्रकार से हमारा आ गया। तो तीन का ही चाल बनाया है दो, तीन का चाल वो बनाया हुआ था, तीन का ये बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों। और बाकी ये इस प्रकार से लगाते चले जाना है दोस्तों इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हमारा ये गैप आना चालू हो गया। तो जब ये वाला आगे वाला चाल बनाएंगे तो ये गैप फिर उसमें मेकअप करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों। चाहे जितनी बड़ी छत पे लगाना होगा दोस्तों आप इस प्रकार से लगा सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों गैप दे दे के लगाते जाना है दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से गारे बिछाते जाना है और लगाते जाना है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये वाला जब भी हमारा आएगा दोस्तों तो इसमें ऐसे इस प्रकार से निकाल देना है इस प्रकार से। और ये वाला चाल इधर को घुमा देना है इस प्रकार से। फर्श के लिए दोस्तों कमरे में भी ईंट ऐसे ही लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से लगाते जाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बनाएंगे जो किस प्रकार से दोस्तों इसमें ढलान दिया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से हसिया बांध के और पानी का ढलान दिया जाता है दोस्तों। तब तक ले वीडियो में जय हिंद जय भारत दोस्तों।